नमस्ते। आज हम देखेंगे वेबसाइट पोर्टल किस तरीके से यूज़ करना है। हम यहाँ पे डेमो इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए एडमिन लॉगिन किया है ताकि हमें सभी राइट्स मिल जाए। हम यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर करके जो मॉड्यूल है उसे आज देखेंगे, तो हम इसको ओपन करते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपको थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें हम लोगों ने आपको एक अच्छा सा थीम दिया हुआ है। वो थीम आप सिलेक्ट करके जैसे उसको इनेबल करते हो, आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट होते हो सेटिंग वाले पेज पे। तो सेटिंग के अंदर हम लोग बेसिक सेटअप सब करते हैं, जैसे वेबसाइट आपको लाइव रखना है या फिर प्राइवेट रखना है। सो इस तरीके से आप पब्लिक और प्राइवेट आप मैनेज कर सकते हो अपने वेबसाइट का स्टेटस। इसके बाद टैगलाइन, तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो टैगलाइन है वो टैगलाइन हम लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज, मतलब हमारे पास जितने भी पेजेस है उसमें से जब भी कोई एंड यूज़र हमारी वेबसाइट ओपन करेगा तो कौन सा पेज उनको सबसे पहले दिखना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस या फिर अबाउट अस रखना है तो भी आप रख सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी, तो जो भी आपको वहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करके सबमिट करता है वेबसाइट के ऊपर, तो वो फॉर्म आपको कौन से ईमेल आईडी पे रिसीव होना चाहिए वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद वेबसाइट लोगो, तो जो भी आप अपने वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर आपको जो भी लोगो रखना है वो लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप उसको स्क्वायर स्टाइल में भी मैनेज कर सकते हो, सर्कल स्टाइल में मैनेज कर सकते हो, और प्लेन, मतलब जो एज इट इज़ आपने अपलोड किया है वही रखना है, तो हम प्लेन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद लोकेशन, तो अगर आपका जो इंस्टीट्यूट का लोकेशन है वो अगर गूगल पे पिन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। और एक नीचे आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करने का ऑप्शन है, तो आप उस पर डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, तो कोई भी वेबसाइट हो उसको अगर अट्रैक्टिव बनाना है, यूजर फ्रेंडलीनेस बनाना है, तो हम उसको मैक्सिमम 2 कलर में हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस ना डेवलप करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर इस तरीके से 2 कलर दिए हैं, तो आपको जो भी सूटेबल कलर्स लगते हैं वो कलर्स आप सेट कर सकते हो। उसके बाद font 1, font 2 और font 3, तो हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑप्शन के साथ अलग अलग स्टाइल के साथ हम लोग फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो वो सभी फॉन्ट आप यहाँ पे इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है फॉन्ट के, तो हम यहाँ पे उसका स्टाइल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट हेडर है, तो वेबसाइट हेडर के अंदर हमें जो भी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं वहाँ पे वन टाइम हेडर बनाने के बाद एवरी पेज के ऊपर वही सेम हेडर हम शो करवा सकते हैं। वैसे ही सेम हमारे पास वेबसाइट फुटर भी है, और हेडर और फुटर के अंदर हमने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसका यूज़ करके आप पूरा एक हेडर फुटर बना सकते हो, जिसमें आपको टेबल्स यूज़ करना है तो टेबल यूज़ कर सकते हो, इमेजेस यूज़ कर सकते हो, जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को कलरलेस कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, उसको बोल्ड करना हो, इटालियन करना हो, इस तरीके से, और उसको आप लिंक करना चाहते हो तो कहीं पे भी आप उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिंक भी सेटअप कर सकते हो। सो इस तरीके से पूरा हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट का हेडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एंड से। उसके बाद वेबसाइट फुटर, तो आपका जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट में आपको फुटर में क्या रखना है वो फुटर हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, जो एवरी पेज के अंदर रहेगा। यहाँ पे हमें इमेज सेट करना होगा, उसके बाद उसका जो भी हमें डिस्क्रिप्शन देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस में हमें अपना इंस्टीट्यूट का जो नंबर हो वो सेट करना है, उसका ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह जो भी आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपना डिटेल। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक्स है, सो इम्पोर्टेंट लिंक्स लिंक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी मेन्यूज़ जो है, मेन्यूज़ के अलावा कोई लिंक्स हमें अपलोड करनी है तो वो इम्पोर्टेंट लिंक्स हम लोग नीचे दे सकते हैं। उसके बाद फॉलोअर्स है, तो फॉलोअर्स के अंदर हमें कौन सा अपना सोशल अकाउंट है, सोशली हम लोग अपना वेबसाइट का हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे पेज बनाया है उसका यहाँ पे हम क्विक लिंक दे सकते हैं, ताकि जो भी एंड यूज़र है वो वेबसाइट से ही डायरेक्टली अपने सोशल अकाउंट के ऊपर लिंक हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पे उसका हेडर फुटर मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक और अच्छा सर्विस है पॉपअप इमेज करके, तो जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे एंड यूज़र जब भी कोई वेबसाइट ओपन करे हमारी, तो उस टाइम पे उनको एक पॉपअप मिले, एक एडवर्टाइजमेंट का पॉपअप अगर हमें स्प्रेड करवाना है या फिर कुछ नोटिस हमें शो करवाना है,
तो हम यहाँ पे उसका इमेज बना के यहाँ पे पॉपअप इमेज के अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेम सो पॉपअप एवरी टाइम, इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी पॉपअप इमेज है वो पॉपअप इमेज जब भी कोई एंड यूज़र वेबसाइट को रिफ्रेश करता है तो एवरी रिफ्रेश पे उसको पॉपअप का इमेज दिखना चाहिए, या फिर एक बार दिख गया उसके बाद वो रिफ्रेश करेगा तो उसको नहीं दिखना चाहिए। ऐसा अगर करना है तो हम इसको नो कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। देन इनेबल थीम रिसेट ऑप्शन, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो जो भी हमने थीम में चेंजेस किया है उसको वापस रिसेट कर सकते हैं, जो पहले था उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उसको। सो इस तरीके से हम पूरा बेसिक डिटेल जो है उसका वो सेट करने के बाद हम लोग उस वेबसाइट को आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका डोमेन नहीं है, डोमेन हम लोग इसे डोमेन बोलेंगे, जैसे myclasscampus.com करके जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट का डोमेन, तो आपका जो भी सूटेबल इंस्टीट्यूट का डोमेन रहेगा अगर वो खुद से परचेस करना है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डोमेन पे क्लिक कर सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे रिडायरेक्ट होकर आप खुद का डोमेन परचेस कर सकते हो। उसके बाद डेटा, सॉरी फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड के अंदर कैसा है कि जैसे हमारे पास जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में हम एक ही इमेज मल्टीपल जगह पे अगर यूज़ करना चाहते हैं सो इन दिस केस हमें यहाँ पे फाइल अपलोड करना होगा, इमेजेस अपलोड करने होंगे। सो इमेज अपलोड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है या फिर कोई भी फोल्डर से आपको फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको सेट करना होगा। सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उसमें। तो जो भी इमेजेस आपने अपलोड किया है वो सभी इमेजेस आपको इस तरीके से नीचे लिस्ट में मिल जाती हैं। उसके बाद जैसे मुझे ये इमेज कहीं पे भी यूज़ करना है तो इसको ये जो कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड है उस पर क्लिक करके मुझे कहीं पे भी यूज़ करना है तो उसका यूआरएल मेरे को कॉपी हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे अगेन सेटिंग में अगर मुझे सेटअप करना है तो उसको सेटिंग में आ जाऊँगा। सेटिंग में आने के बाद मुझे जैसे उसको हेडर फुटर में सेट करना है, जैसे मुझे उसको हेडर में सेट करना है तो हेडर में मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे उसको अपलोड करना है सो इसको मैं यहाँ पे इमेज वाले बटन पे क्लिक करूँगा ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे मुझे वो यूआरएल सिंपली पेस्ट कर देना है। उसका अगर साइज हाइट और विड्थ भी सेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इसको अनलॉक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे जितना भी सेटअप करना है मैं कर सकता हूँ पिक्सल के अंदर। उसके बाद मैं ओके कर लूँगा तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे लोगो सेट हो जाएगा, जो इमेज मैंने कॉपी किया था वो इमेज यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो इस तरीके से जो भी फाइल मेरे पास है वो एक ही फाइल को मैं मल्टीपल जगह पे यूआरएल कॉपी करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम लोग फाइल अपलोड ऑप्शन का यूज़ करते हैं वेबसाइट पोर्टल में। उसके बाद हम देखेंगे पेजेस। तो पेजेस के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड पेजेस हम बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में वेबसाइट बनाते हो तो इन दिस केस आपको पेज वाइज आपको प्राइस देना होता है, लेकिन यहाँ पे MyClass Campus आपको इतना जितने भी आपको पेजेस है वो सारे पेजेस आप फ्री में बना सकते हो। एन नंबर ऑफ पेजेस आप अपने वेबसाइट के अंदर बना सकते हो इजीली। तो जस्ट आपको पेजेस क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पेजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी पेजेस का नेम रखना है वो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी नेम रखना है आप रख सकते हो पेजेस का। यहाँ पे आपको स्लग रखना है, स्लग मतलब जो स्लैश के बाद, जब भी कोई पेज ओपन होता है तो उसमें स्लैश के बाद आपका जो भी नेम आना चाहिए वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। जैसे TNC अगर हमें रखना है तो यहाँ पे TNC हम रख सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट हो गया है टर्म्स एंड कंडीशंस करके, जिसमें TNC करके हमने उसका स्लग रखा है। तो ये सारे स्लग्स है, तो जब भी वो पेज आप ओपन करते हो तो उसमें इस तरीके से स्लग मैनेज हो जाएंगे लास्ट में। अभी पेज क्रिएट करने के बाद उस पेज के अंदर डिज़ाइन किस तरीके से करना है, क्या क्या ऑप्शन है, तो जैसे हम कोई भी पेज पे क्लिक करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर होम पेज पे मेरे को कुछ एडिटिंग करना है या देखना है तो मैं होम पेज पे जैसे ही क्लिक करूँगा सो इस तरीके से मुझे एक मेरा वर्क एरिया मिल जाता है, जिसके अंदर अवेलेबल सेक्शन और पेज सेक्शन के तरीके से मेरे को दो टेबल्स मिलते हैं, जिसमें क्या है कि अवेलेबल सेक्शन के अंदर ये सारे ऑप्शंस है जो मैं मेरे वेबसाइट के अंदर मेरे रिस्पेक्टेड होम पेज है तो होम पेज के ऊपर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे पेज सेक्शन के अंदर हमें वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो ऑप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पेज के अंदर डेवलप कर दिए है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो टेस्टिमोनियल, तो जैसे मैं टेस्टिमोनियल पर क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे ऐड न्यू टेस्टिमोनियल करके मुझे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे वो टेस्टिमोनियल का मतलब जो फीडबैक दे रहा है वो पेरेंट्स है या प्रिंसिपल है या टीचर है या स्टूडेंट है, उस तरीके से मैं उनका नेम, उनका पोस्ट मतलब वो स्टूडेंट है या पेरेंट है उस तरीके से डिस्क्रिप्शन क्या वो फीडबैक देना चाहते हैं और उसके इमेज। सो इस तरीके से मैं टेस्टिमोनियल भी मैनेज कर सकता हूँ। अभी मुझे जैसे टेस्टिमोनियल स्लाइडर के नीचे रखना है सो मैं स्लाइडर के नीचे रख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे स्लाइडर सबसे ऊपर रखना है तो मैं स्लाइडर इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं अपने सीक्वेंस मैनेज कर सकता हूँ अपने वेबसाइट पे। उसके बाद मैं जैसे स्लाइडर पे क्लिक करूँगा तो स्लाइडर के अंदर मुझे क्या क्या इमेजेस रखना है वो मैं यहाँ पे ऐड न्यू स्लाइडर पे क्लिक करके अलग से उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के मैं वो इमेज को अपलोड कर सकता हूँ। उस इमेज का क्या साइज़ होना चाहिए तो वो यहाँ पे हमें वो साइज़ मिल जाएगा। सो उतना करने के बाद हमें जस्ट ऐड डेटा पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ऐड डेटा पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे स्लाइडर इमेज ऐड हो जाएगा। अभी जैसे इसका प्रीव्यू आपको देखना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे प्रीव्यू का बटन दिख रहा है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा पेज यहाँ पे लोड हो जाता है। इसके अंदर हमें जो भी चेंजेस करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्लाइडर इमेज रखा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस ब्रांच लिखा है, तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है तो वो भी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें इवन हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मैनेज कर सकते हैं अपने ब्रांचेस का। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा एक ऑप्शन एक डेवलप कर सकते हैं, अपना पेजेस डेवलप कर सकते हैं। तो जितने भी पेजेस है उन सभी पेजेस को आपको इसी तरीके से मैनेज करना है। जस्ट आपको पेज के नेम पे क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेज वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल सेक्शन मिलेंगे उस सेक्शन में से जो भी हमें सूटेबल सेक्शन रखता है वो पहले हम लोग ऐड कर देंगे, उसके बाद उसके सीक्वेंस मैनेज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो इस तरीके से हम लोग पूरा एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस डेवलप कर सकते हैं और उसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो एडिट वाले बटन पे क्लिक करके, और अगर आपको कोई भी पेज रिमूव करना है तो आप उस पेज को रिमूव भी कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि थीम कैसे सिलेक्ट करना है, थीम सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग कैसे मैनेज करना है बेसिक सेटिंग, फिर फाइल कैसे अपलोड करना है और जो पेजेस है वो पेजेस किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेजेस डेवलप करके अपना वेबसाइट एक गुड लुकिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।